वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन होम कुकिंग। आज इंडियन होम कुकिंग का ये शो वेजिटेबल लवर्स के नाम आज बनने जा रही है ये कुरकुरी सी भिंडी। आइए देखते हैं इसकी ये रेसिपी। आधा किलो भिंडी इसको हमने धो के और पूछ के ले लिया है, अब इसको हम काटेंगे। पहले इसके सिरों को अलग कर लेंगे। ये सारी भिंडियों के सिरे कट के तैयार हो गए। इसको हम ऐसे पकड़ लेंगे और ऐसे तिरछा चाकू रख के तिरछा काटेंगे। बहुत ज्यादा पतला भी नहीं काटना है हमको। ये भिंडी सारी कट के तैयार हो गई है। इसको चॉपिंग बोर्ड पे हम पूरे अच्छे से फैला देंगे। मसाले को ऐसे पूरे में छिड़क के डालेंगे। 1 टीस्पून रेगुलर मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून मैजिक मसाला। मैजिक मसाले को गरम मसाले से रिप्लेस कर सकते हैं, मगर मैजिक मसाले का टेस्ट अलग ही है। इसका कि मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब डालेंगे हम 1 चम्मच नमक। नमक को छिड़क के डालेंगे और जितना नमक छिड़क जाएगा उतना नमक इनफ होगा। अब 1 टीस्पून खटाई, जिसको कि आमचूर भी बोलते हैं। अब डालेंगे हम 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर और 2 चम्मच बेसन। डाल के इसको अच्छे से मिला लेंगे और फिर थोड़ा सा पानी लेंगे, करीब 1/4 कप पानी को थोड़ा सा छिड़क के और उसको अच्छी तरह से मिला देंगे। छिड़कने से ये होगा कि इसमें जो भी पाउडर मसाले हैं वो सारे इसमें भिंडियों में अच्छे से चिपक जाएंगे। एक प्याज लेंगे, इसको पहले हाफ काट लेंगे। हाफ काटने के बाद प्याज की गांठ को निकाल देंगे और इसको मून शेप में काट लेंगे। इस तरह से मल के प्याज को सारे स्लाइसेस को अलग कर लेंगे। पैन चढ़ा दिया था तेल डाल के, तेल गर्म हो गया है। इसके अंदर हम प्याज को डाल देंगे। पहले थोड़ा तेज गर्म तेल होगा तभी डालेंगे और इसके बाद जब प्याज हल्की सी गुलाबी हो जाएगी तब हम आंच को कम कर देंगे। ये प्याज गोल्डन ब्राउन हुई है, अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब उसी तेल में हम अपनी भिंडियों को डाल देंगे। भिंडियों को हम 2 बैचेस में फ्राई करेंगे, पहले आधा डालेंगे फिर आधा और डालेंगे। पहले शुरू में हम इसको तेज आंच पे फ्राई करेंगे, फिर जब ये आधी हो जाएगी तब हम आंच को कम कर देंगे। ये हमारी भिंडी फ्राई हो गई है, जब इस भिंडी को निकाल लेंगे। अब उसी तेल में हम अपना दूसरा बैच भी डाल देंगे और जैसे सेम तरीके से इसको भी तल लेंगे, तल के निकाल लेंगे। भिंडियों को निकालने के बाद इसमें 1 चम्मच चाट मसाला छिड़क के अच्छी तरह से इसको मिला लेंगे। अब ऊपर से तला हुआ प्याज डाल देंगे। इंडियन होम कुकिंग का कुरकुरी भिंडी एपिसोड देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।